नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं ब्लड की। इंसान को अपने पेट की आग बुझाने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है, और जो खाना आप खाते हैं या हम खाते हैं उसी से ब्लड बनता है। तो ब्लड की ज़रूरत भी इंसानों को है, क्योंकि ब्लड यानी खून, रक्त, ये किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी में नहीं बनता, इंसान के अंदर ही बनता है। इसी पर आधारित आज से एक दिन पहले यानी 31 दिसंबर 2023 साल का आखिरी दिन एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। ये भिवंडी इंपा यूनिट का दूसरा साल है ब्लड कैंप को लेकर। अब आइए आगे देखते हैं महाराष्ट्र प्रदेश जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जुबैर साहब, और उसके बाद एक के बाद एक इंपा के जो वर्क हैं, जो काम है वो मैं खान फख्र आलम। अस्सलाम वालेकुम। मैं भिवंडी की हमारी इंपा ब्रांच तमाम मेम्बरान को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बहुत ही काबिले तहसीन कदम उठाया और इस शहर में ब्लड डोनेशन का कैंप का इनका किया, और हमारे साथ में गणेश भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत बड़ा हमारा सपोर्ट किया और इस जगह को हमें दी। और आज हमारी कोशिश है हमारे इन तमाम मेम्बरान की कि 100 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन के लोग आएँ और करें, और उनके ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। अक्सर ये होता है कि जब कोई बड़ी बीमारी होती है, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, हमको ब्लड ढूंढना पड़ता है। तो हमारी कोशिश होती है कि भिवंडी के लोगों के लिए, हमारे लोग कौम के लोगों के लिए जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है उनके पास एक रिजर्वायर हो तो वो महफूज रहे और उससे फ़ायदा उठाया जाए करके। आप बॉम्बे से तमाम कैंपों में इतना सफ़र तय करके आते हैं, जो एम्बिशन है आपका वो बहुत ही क्लियर है, और आपकी हिम्मत भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। तो पिछले प्रोग्राम में आपने कुछ मतलब गोल रखे थे कि ये करना है, तो क्या अचीव हो गए? वो गोल रखा जाता है कि टारगेट के लिए, कि भाई ये चीज़ करना है, कम से कम अगर हम उसके आधा भी हासिल करें तो बड़ी बात होती है करके। हमारा ये भी गोल था कि हम 100 बॉटल जमा करेंगे। आज हमारी उम्मीद पूरा कि आज 110 लोगों ने इन्वॉल्व किया है, हमें उम्मीद है ये 100 पूरा हो जाएगा। बातों में बात पूछी कि भाई नए कवानीन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और ये जो मेडिकल को गवर्न करते हैं, इस सिलसिले में क्या कोई रिफॉर्म या कुछ तब्दीली आई है? जुबैर साहब बताएं, आप ऐसा कुछ है? अभी हाल ही के अंदर पार्लियामेंट में नए कानून आए हैं CRPC को लेकर के। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खास करके गृह मंत्रालय के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने डॉक्टरों को बहुत सारी रिलीफ दी है। खास करके क्या है कि जो डॉक्टरों को किसी अगर निगलिजेंस हो जाए, किसी मरीज की डेथ हो जाए, तो उसमें सज़ा काफ़ी बड़ी हुआ करते, मगर वो सज़ा घट करके 2 साल हो गई है। हम तो खैर मकदम करते और गवर्नमेंट को मुबारकबाद भी देते हैं, इसमें भी और भी आगे सोचा जाए, क्योंकि कोई भी डॉक्टर कभी भी किसी गलत तरीके से किसी का इलाज नहीं कर सकता है। अगर मौत हो भी जाती है तो वो नागहानी होती है करके, और डॉक्टर कभी नहीं चाहता है कि ऐसा कोई मरीज कभी मरे करके, तो उसमें सोचा था। मगर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें अब तक कोई तब्दीली लाई नहीं, कि वो अभी के जून के तो वैसा ही रखा गया, और मरीज़ को पूरा हक है कि भाई अगर वो अपने डॉक्टर से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कंज्यूमर कोर्ट पर जा सकता है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर किस तरह से तब्दीली लाई जाए कि हमारे डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहे करके। और उसके अलावा बहुत सारे कवानीन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमेंडमेंट कर रही है, जैसे ट्रैफिक का है, RTO एक्ट का अमेंडमेंट कर रही है, लेबर लॉ का अमेंडमेंट कर रही है, जहाँ पर तमाम जगहों पर अमेंडमेंट करके लाके डॉक्टरों को महफूज करने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खास करके नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम मेडिकल बहुत मशहूर है, उन्होंने इस तरफ कदम बढ़ाया है कि तमाम कवानीन में तब्दीली लाई जा रही है, अमेंडमेंट किया जा रहा है। अच्छा, सरकारी नौकरियों में जो BMS डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट का ऐसा कह रहे थे कि कानून पास हो गया, क्या हो रहा है, अपॉइंटमेंट हो रहा है? 2014 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर 10% का रिजर्वेशन दिया था, मगर चूंकि उसका रिक्रूटमेंट रूल नहीं तो बना हुआ था, इसलिए वो डिले हो गया। अब ये रिक्रूटमेंट रूल जो है अपने आखिरी अंजाम तक पहुंच चुका है, यानी कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि बहुत जल्द ये रिक्रूटमेंट बन जाएगा। रिक्रूटमेंट रूल बनने के बाद तमाम BMS डॉक्टरों को PSC के अंदर, उसके अलावा जहाँ जहाँ गवर्नमेंट के लोग गट आ की गट ए की पोस्ट निकलती वहाँ पर नौकरी मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया जुबैर अहमद साहब। इंपा का आज ये दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप है, और इंपा भिवंडी के सदर डॉक्टर अफान खान से हम पूछते हैं कि भाई पिछला कैंप और इस कैंप में उन्होंने क्या महसूस किया, और कितने लोगों ने ब्लड डोनेशन में हिस्सा लिया, और अपील क्या करेंगे वो आवाम से? पिछले साल जो हम लोग का नया नया तजुर्बा था, पहली मरतबा किए थे, तो उस टाइम हम लोग 40 बॉटल जमा कर पाए थे,
इस साल अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा तजुर्बा था पिछले कैंप का, तो 140 बॉटल जी उम्मीद है कि आज हो जाएगा इंशाल्लाह। रजिस्ट्रेशन लोगों ने करवाया 140 जी जी, और अभी तक हो गया है 140 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और वो लोग आने वाले हैं। और आवाम से उम्मीद है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले, क्योंकि वक्त ज़रूरत है, इमरजेंसी हालात में उनकी ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास स्टॉक रहेगा तो बहुत सी जानें बचाई जा सकती है। तो आवाम से बहुत ही पुरजोर अपील है कि वो लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आपकी इम्पा इस ब्लड डोनेशन कैंप के अलावा क्या एक्टिविटी करती है शहर में? इसके अलावा हम लोग मेडिकल फ्री मेडिकल कैंप करते हैं, यूनानी दवाओं से यूनानी का प्रचार करते हैं, यूनानी से लोग इलाज हासिल करें और साइड इफेक्ट से बचे ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर रहे, उनकी सेहत अच्छी रहे। इम्पा की हमेशा ये कोशिश रही है, और कभी आफत और सैलाब ऐसा भी मौका है उसमें भी इम्पा ने हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, आवाम की मदद की है। और हमारे डॉक्टर्स के अंदर हम लोग कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन का प्रोग्राम रखते हैं CME, वो जो जो नए नए अपडेट्स आते हैं नए मेडिकल साइंस में उसकी मालूम हम उनको फ्राहम करते हैं। शुक्रिया डॉक्टर इशरत, प्रेसिडेंट ऑफ इम्पा भिवंडी ब्रांच। ये हमारा सेकंड ब्लड डोनेशन कैंप है, और फर्स्ट हमने किया था 50-60 किया था, और इस बार हमारा 140 हमने अचीव किया है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। और लाइक जैसे कि ब्लड डोनेशन ऐसा है कि जैसे हम लोग हजामा करते हैं या फासिद करते हैं, तो उसी तरह ये नई टेक्नोलॉजी है ब्लड डोनेशन का, और ये ब्लड हम लोग किसी और के काम आ जाता है, जैसे जो बीमार रहते हैं CA है और कार्डियक का है, बहुत सारे ऐसे चीज़ों में काम आ जाता है ये ब्लड डोनेशन करने के बाद। तो ऐसा, और रही बात ज़ुबैर सर का, तो ज़ुबैर सर हम लोगों का इंस्पिरेशन है, और लाइक उनके आने से हमको बहुत हौसला मिलता है। आज ये जो ब्लड डोनेशन कैंप इम्पा ने ऑर्गेनाइज किया है, शहर में मुख्तलिफ फील्ड में इम्पा अपने तौर पर काम करती रहती है, और डॉक्टर ज़ुबैर साहब की क़यादत में काफ़ी एक्टिव रही है, और आजकल डॉक्टर अफान साहब और मैडम यहाँ पर दोनों सदर हैं इम्पा के। तो इस तरह की अवेयरनेस ब्लड डोनेशन कैंप के ज़रिए, दीगर मखसूसियत के ज़रिए शहरियों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो एक बुनियादी खिदमत अंजाम दे रहे हैं लोगों की सेहत के ताल्लुक से, लेकिन उससे हट के ये जो ऑर्गेनाइज में एक कैंपिंग की शक्ल में होता है ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और इस बात को आम शहरियों तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज किया जाए और उसका फ़ायदा। आज के इस ब्लड डोनेशन कैंप में इम्पा के फाउंडर मेम्बर डॉक्टर नियाज आज़मी साहब भी आए हुए थे, और इन्होंने इस कैंप के सिलसिले में बड़ी मेहनत की है। तो इनसे हम दरियाफ्त करते हैं कि ब्लड डोनेशन के सिलसिले में उनकी अपनी क्या राय है और आवाम को क्या अपील करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, इम्पा 1992 से डॉक्टर ज़ुबैर साहब और उनके तमाम दिगर साथियों के साथ मैंने काम किया और फाउंडर मेंबर हूँ, और आज तक उसी तरह से काम करता रहा हूँ और करता रहूँगा। इम्पा एक ऐसी मजबूत तंजीम है महाराष्ट्र की, जो ज़िले से निकल कर के महाराष्ट्र के मंत्रालय तक अपनी भरपूर कोशिशों के साथ तिब्बे यूनानी की फरोगियत और तरक्की के लिए हर महाज पर काम करती आई। ब्लड डोनेशन का इस वक्त दूसरा मेडिकल कैंप लग रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ काम जारी है, ब्लड लोग दे रहे हैं, और ज़िंदगी और मौत के कशमकश के आलम में ये ब्लड जो है काम आता है, और यही डोनेशन जो ब्लड रखा रहता है वक्ती तौर पे उनके ब्लड ग्रुप को देख करके दे दिया जाता है। इम्पा एक अच्छी ताकत का नाम है, और जो हम आज भी हम उनके साथ हैं, दीगर तंजीमें भिवंडी में काम कर रही हैं, तकरीबन सभी के साथ मेरा जुड़ना है, जुड़ा रहता हूँ, लेकिन सबके साथ इत्तेहाद की दावत दूंगा उस कुरान के आयत के साथ कि वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तफर्रकु, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ काम करें। और सब लोगों के लिए पैगाम है कि इसी इत्तेहाद के साथ तिब्बे यूनानी की फरोगियत और तरक्की के लिए काम करते रहें। शुक्रिया। महिलाओं को एक्टिवा सीखना हुआ आसान, सुफी ट्रेनर लाए हैं नया प्रोग्राम, बस 15 दिन की ट्रेनिंग में एक्टिवा चलाना महिलाएं सीख सकती हैं। मोबाइल नंबर याद रखें और पता भी याद रखें,
आमपाड़ा। दलित सर जो है, दलित आदमी मोमेंटो और सर्टिफिकेट देते हुए डॉक्टर जावेद अली खान साहब इम्पा के वाइस प्रेसिडेंट ग्वेंडी हैं। और महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कार एंड बाइक, इंडियाज नंबर वन सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी, अब आपके अपने भिवंडी में। यहाँ मिलेगी वाइड रेंज ऑफ यूज्ड कार्स के साथ 2 साल तक की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंट किट, सर्टिफाइड कार्स, 220 प्लस चेक पॉइंट्स, इजी लोन पेपर वर्क के साथ, और डिस्काउंट और सरप्राइज गिफ्ट्स अप टू 99,000 डिस्काउंट, अमेजिंग एक्सचेंज ऑफर, अश्योर्ड गिफ्ट या ब्रांडेड गिटार, इजी फाइनेंस कीजिए। कहाँ मिलेगी यूज कार में वारंटी प्लस इतने सारे गिफ्ट, तो अगर आप खरीदना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आ जाइए भगवान अपार्टमेंट, अपोजिट शंकर डाइंग, अंजुरपाटा। और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद। डॉक्टर तबरेज खान साहब को जो है, जलीस आजमी साहब को है अवार्ड देते हुए, डॉक्टर तबरेज खान वाइस प्रेसिडेंट इम्पा भिवंडी, इन्होंने अपना खून का अतिया दिया है और हम मुबारकबाद, हाँ खून भी दिया है, खून का अतिया भी किया है। और सरप्राइज भिवंडी इम्पा यूनिट के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रिजवान खान साहब मेरे साथ में, उनसे बात करेंगे। भिवंडी शहर के गैबी नगर रोड पर सलाहुद्दीन अयूबी इस ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। ये भिवंडी इम्पा यूनिट का दूसरा साल है ब्लड कैंप को लेकर। आज हम उनसे जानेंगे कि इस ब्लड कैंप से लोगों को क्या फ़ायदा मिला पिछले साल, और अभी जो हुआ है तो इसमें बढ़ोतरी क्या हुई, क्योंकि पहले साल में उतनी तैयारी नहीं हो पाती या लोग उतने जुड़ नहीं पाते, दूसरे साल में क्या फ़ायदा मिला। डॉक्टर रिजवान साहब, आज हमारे चैनल पर आपका इस्तकबाल है। इम्पा की जो कारकर्दगी है यानी भिवंडी शहर में जो वर्क है उसके बारे में आप बताइए। भिवंडी इम्पा जो है 25 साल पुरानी एक तंजीम है, जो डॉक्टरों के अलावा सियासी, सामाजिक और सोशली कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। और इम्पा ये दूसरा ब्लड कैंप था, इससे पहले ब्लड कैंप हमने आयोजन किया था शांति नगर सलाउद्दीन अयूबी हाई स्कूल में। इस दफ़ा भी 31 दिसंबर को सुबह 11 बजे से 4 बजे तक ये ब्लड कैंप चला, और माशाल्लाह इसमें 140 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और हमें कुल टोटल 70 लोगों का ब्लड हासिल हुआ। और हम ये ब्लड जो है संकल्प ब्लड सेंटर के थ्रू उसको कलेक्ट कर लेंगे, और जो ब्लड डोनर हैं हम उनको जो है सर्टिफिकेट और उनको कार्ड देते हैं, ताकि वो आइंदा कभी उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त अहबाब या कोई ख़ानदान, पड़ोसी, गांव, मोहल्ले वगैरह में किसी की ज़रूरत पड़े तो कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़रूरतमंद किसी को वो ब्लड मिल जाएगा। और रही बात इम्पा की कारकर्दगी या उसकी एक्टिविटीज़ की, तो भिवंडी शहर में इम्पा जो है काफ़ी एक्टिव है, ऑल महाराष्ट्र ये तंजीम है, और हमारे जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र के डॉक्टर जुबैर शेख साहब की रहनुमाई में भिवंडी इम्पा जो है बढ़ चढ़ कर ऐसे फलाही सामाजिक कामों में हिस्सा लेती है। पिछले साल हमने 10वीं टॉपर्स जो स्कूल के बच्चे हैं उनका जो है फेलिसिटेशन का प्रोग्राम किया, पिछले साल भी किया, इस साल भी किया। इसके अलावा रिमांड होम, बच्चों का चिल्ड्रन होम जो है उसमें बच्चों को जाके उनका फ्री चेकअप, उनको दवाइयाँ देना और उनकी पॉजिटिव काउंसलिंग करना, ये हमारा ख़ास मकसद रहा और हमने वो किया। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हमने फलों की तकसीम इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में करी, और जैसे कहीं पे सैलाब आ गया, जैसे चिपलुन में सैलाब आया था पिछले साल, वहाँ पे इम्पा की टीम गई और फ्री रिलीफ मेडिकल कैंप का वहाँ पे आयोजन किया गया। इसके अलावा भिवंडी इम्पा जो है डॉक्टर्स के लिए एक सेमी प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज़ करती, ताकि जो नए अपडेट्स आते हैं मेडिकल फील्ड में तो वो डॉक्टर्स उसको जो है अपडेट हो सके उस न्यू टेक्नोलॉजी या नॉलेज से, तो ऐसा भी इम्पा कराती है। और इम्पा एक वसी पैमाने पर जो है फलाही काम कराती है, और इंशाल्लाह इसके अगराज व मकासिद और भी ज़्यादा हैं, और आगे बढ़ चढ़ कर और इन फ्यूचर में
इम्पा जो है बेहतर से बेहतर काम कर सके, ताकि समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाए और एक समाज का उद्धार हो, यही इम्पा की ख्वाहिश है। चलते चलते एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो लोगों से क्या अपील करेंगे? ब्लड देना चाहिए, यानी जो खून है वो देना चाहिए, क्योंकि आगे वो इंसानों के ही काम आता है। देखिए, बहुत सारे ऐसी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर है, किसी को थैलेसमिया है, किसी को जो है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि 15-15 दिन में खून होने लगता है। तो अब वो खून आएगा कहाँ से? हमारे पास तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं ईजाद हुई है कि लेबॉरेटरी में या किसी मशीन द्वारा या किसी और तरीके से ब्लड को हासिल किया जा सके या बनाया जा सके। जाहिर सी बात है, इंसान जो डोनेशन करेगा उसी खून को जो है किसी ज़रूरतमंद मुस्ताहिक और मोहताज जो भी रहेगा उसका, उसे दिया जा सकता है। और जाहिर सी बात है, खून जो है हमारे सर्कुलेशन बनते रहता है, नए खून बनते रहते हैं, हमारा शरीर उसको बनाते रहता है। तो अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित नहीं हो या कोई आपको बीमारी नहीं हो, तो आप बिला झिझक का खून दे सकते हैं, और उससे जो है एक इंसानियत का, एक मानवता का उद्धार होगा और एक अच्छे सेहतमंद माशरे की तश्कील होगी, और इससे बढ़कर हमें और क्या खुशी चाहिए। तो ये थे डॉक्टर रिजवान खान साहब, बीएनडी इम्पा यूनिट के जनरल सेक्रेटरी हैं। और अब आइए आगे देखते हैं महाराष्ट्र प्रदेश जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर ज़ुबैर साहब, और उसके बाद एक के बाद एक इम्पा के जो वर्क हैं, जो काम है, वो मैं खान फख्र आलम। इस ब्लड कैंप को कामयाब बनाने के लिए डॉक्टर सैयद आसिफ साहब, साथ ही डॉक्टर जावेद अली खान साहब और मुंबई से आए हुए मेहमान डॉक्टर जावेद फारूकी साहब मौजूद रहे।